दिल्ली में इस वक्त यमुना में पानी बढ़ता जा रहा है और एक तरह से बाढ़ की स्थिति सी बनी हुई है। दिल्ली में यमुना का लेवल जो डेंजर लेवल है वो 205.33 मीटर है। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है, वो 207.71 पे पहुंच गया ऑलरेडी, 207.71 पे। 1978 में इसके पहले अभी तक यमुना में जो सबसे ज़्यादा यमुना का हाईएस्ट अभी तक जो गया था वो 1978 में गया था, जब यमुना में बाढ़ आई थी वो गया था 207.49 पे। उसको भी मतलब 40 42 साल पुराना, 43 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। और अभी हम 207.71 पे हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन का दोपहर में जो प्रिडिक्शन आया था, उन्होंने कहा था कि रात को 10 से 12 बजे के बीच में 207.72 होगा, वो लगभग ऑलरेडी हम अभी पहुंच चुके हैं। दिल्ली में हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथिनी कुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। अब वहाँ क्या स्थिति है उसका तो हमें ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। पानी तो निकालना ही है, लेकिन जितनी तेजी से पानी को दिल्ली भेजा जा रहा है, अगर उस गति को थोड़ा कम कर दें तो यमुना के स्तर को और ऊपर जाने से हम रोक सकते हैं। थोड़ी देर पहले अभी गजेंद्र शेखावत जी का मेरे पास फोन आया था और उन्होंने बताया कि वो तो केवल बराज है, उसके पीछे कोई रिजर्वायर नहीं है, तो वहाँ पानी को रोकने की ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो पानी को रोका तो नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने बताया कि अब पानी आगे से हिमाचल से ही कम होने लग गया है और अगले एक आध दिन में इसकी स्थिति इम्प्रूव होगी। लेकिन कल जो पानी छोड़ा गया था, कल काफ़ी पानी छोड़ा गया था, वो पानी दिल्ली पहुंचने में अभी और 24 घंटे लग जाएंगे। मुझे लगता है कि यमुना का स्तर अभी और बढ़ने की उम्मीद है। 207.71 पहुंच चुका है अभी, इसके अभी और बढ़ने की उम्मीद है। वो वाली स्थिति की आगे से जो पानी अब कम होने लगा है वो दिल्ली पे उसका असर होने में अभी समय लग सकता है। जो अफेक्टेड एरियाज हैं, मेरी अब हमारे को यही देखना है कि हम किस तरह से जान और माल की रक्षा कर सकते हैं। मेरी सब लोगों से विनती है कि जो जो यमुना के लो लाइंग एरियाज में आसपास हैं वो सब अपने अपने घर खाली कर दें, क्योंकि अचानक पानी आएगा, आपका जान को खतरा हो सकता है, आपके घर के सामान को खतरा हो सकता है। आप अपना घर खाली कर दें, हाथ जोड़ के सबसे विनती है, इंतजार ना करें। और एक जो देखने में आ रहा है कि लोग बाढ़ देखने के लिए जा रहे हैं वो ना जाएं, उससे अचानक अगर पानी बढ़ गया तो काफी भीड़ लगी हुई है, लोगों को बाढ़ सेल्फी ले रहे हैं, वो वीडियो खींच रहे हैं, वो सब ना करें, आपकी जान को खतरा हो सकता है। अचानक अगर पानी बढ़ गया तो आपको खतरा हो सकता है। सरकार ने रिलीफ इवैक्यूएशन के बहुत पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और आप सरकार की मदद ले सकते हैं इवैक्यूएशन करने के लिए, या खुद अगर आप अपना दूसरे जगह जाना चाहें खुद जा सकते हैं। रिलीफ कैंप्स बहुत सारे लगाए हुए हैं और भी बढ़ाने की उम्मीद है। अभी अभी मेरी सारे डीएम्स के साथ मीटिंग हुई, उनको भी हमने कहा है कि आप जरूरत पड़े तो आसपास के स्कूलों को बंद कर दीजिए, उनको कन्वर्ट कर दीजिए रिलीफ कैंप्स में। टॉयलेट्स के लिए, नहाने के लिए, अगर आसपास धर्मशालाएं स्कूल एक्वायर करने की जरूरत पड़ती है उनको आप एक्वायर कर लीजिए।